Welcome to all of you. This is very interesting video, and in this video we are going to familiarize about the IC engine and its parts like piston, engine cylinder, crankshaft, connecting rod, carburetor, spark plug, ignition system, etc. वैसे अगर देखा जाए तो इंजन को बाहर से हम सभी लोगों ने देखा होगा, बट इंजन के भीतर का क्या मैकेनिज्म है, यानी इंजन के भीतर क्या होता है, ये शायद कुछ कम ही लोगों ने देखा होगा। तो चलिए हम आपको इंजन के भीतर का क्या मैकेनिज्म है इसके बारे में आपको दिखाते हैं। अब यहाँ पे ये जो इंजन आप देख रहे हैं, ये सिंगल सिलेंडर टू स्ट्रोक इंजन है जो कि फोर्स्ड एयर कूल्ड है, राइट। और अगर इसके हम पावर की बात करें तो ये 1.5 हॉर्स पावर का है जो लगभग 1.1 किलोवाट का है, राइट। एक्चुअली ये इंजन जो आप देख रहे हैं ये स्प्रे मशीन का है जो कि दवा के छिड़काव के लिए किसान इसका उपयोग करते हैं। और ये इंजन अभी चूंकि रनिंग कंडीशन में है, जिसको हम यहाँ आपको दिखाने के लिए लाए हैं, तो चलिए अब इस इंजन ब्लॉक को ओपन करते हैं और इसके भीतर का मैकेनिज्म देखते हैं। इस इंजन ब्लॉक को ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो ये जो इसका लोअर पार्ट है इंजन ब्लॉक का, दिस इज कॉल्ड ये क्रैंक केस। यू नो इंजन ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर हेड, क्रैंक केस एक्सेट्रा, दिस इज कॉल्ड क्रैंक केस। यहाँ पे आप देख रहे हैं जहाँ पे ये क्रैंक शाफ्ट मूव करती है, राइट। और इसी क्रैंक केस में हमारा लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है जो कि इसको लुब्रिकेट करता रहता है कंटिन्यूस, राइट, जो कि इस तरह से देख सकते हैं आप। और वहीं इसके फर्स्ट पार्ट अगर हम पिस्टन की बात करें तो यू नो दिस इज अ पिस्टन जो कि राउंड शेप में आप देख पा रहे होंगे, और ये इसका पिस्टन हेड है, राइट। और अगर हम पिस्टन को देखें तो ये एक चूंकि मूविंग कंपोनेंट है जो इंजन सिलेंडर के अंदर टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर के अंदर रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है, राइट, जिसका काम क्या होता है, प्रेशर एनर्जी को वाया कनेक्टिंग रॉड ये क्रैंक शाफ्ट तक पहुंचाता है। यू नो जब कंबस्शन चैम्बर के अंदर चार्ज बर्न होता है तो यानी केमिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू हीट एनर्जी, हीट एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू प्रेशर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू मैकेनिकल एनर्जी, राइट। अब नेक्स्ट अगर वहीं हम बात करें पार्ट पिस्टन पिन या गजन पिन, तो यहाँ पे आप ये जो देख रहे हैं ये कनेक्टिंग रॉड को और पिस्टन पिन को जोड़ने के लिए ये गजन पिन का यूज किया जाता है। यहाँ पे ये आप देख पा रहे होंगे दिस इज ए गजन पिन, और गजन पिन साइड से चूंकि ये ना खिसके, यानी इसके इसको रोकने के लिए यहाँ पे एक सरक्लिप दी होती है जो कि इसमें टाइट फिट रहती है, राइट। वहीं अब हम नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, दैट इज पिस्टन रिंग। यहाँ पे आप ये देख पा रहे होंगे यहाँ दो ग्रू दिख रहे हैं पिस्टन पे, दो ग्रू, एक अपर ग्रू एक लोअर ग्रू। तो इन जो पहला ऊपर ग्रू है ये हमारा कंप्रेसर रिंग के लिए है। यू नो पिस्टन रिंग्स दो टाइप के है होती है, कंप्रेशन रिंग एंड लुब्री ये ऑयल रिंग। तो जो ऊपर का ये ग्रू है ये हमारा कंप्रेशन रिंग के लिए है, और जो नीचे का ग्रू है ये हमारा ऑयल रिंग के लिए है। तो जो कंप्रेशन रिंग होती है वो सीलिंग द कंबस्टन चेंबर, राइट। वहीं अगर ऑयल रिंग की बात करें तो ये लुब्रिकेटिंग ऑयल को स्क्रैप करने के काम आती है, राइट। तो जनरली जो रिंग होती है यानी पिस्टन रिंग होती है वो कास्ट आयरन या स्टील की बनी होती है। तो यहाँ पे चूंकि ये कास्ट आयरन की बनी होने की वजह से यहाँ पे ये टूट गई, चूंकि कास्ट आयरन चूंकि प्रॉपर्टी जो है ब्रिटलनेस की होती है, राइट। वहीं नेक्स्ट पार्ट अगर हम बात करें, दैट इज कनेक्टिंग रॉड और पिस्टन रॉड। तो यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं दिस इज ए कनेक्टिंग रॉड, यहाँ आप देख पा रहे होंगे दिस इज ए कनेक्टिंग रॉड, राइट। ये पिस्टन और क्रैंक शाफ्ट को आपस में जोड़ता है जो कि रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट करने के काम आता है, राइट। अब वहीं अगर हम क्रैंक शाफ्ट की बात करें, ये जो आप पार्ट देख पा रहे हैं ये क्रैंक शाफ्ट है, राइट, या एक रोटरी शाफ्ट होती है जो कि घूमने वाली शाफ्ट होती है जो कि पिस्टन के रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट करता है विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिंग रॉड, राइट। वहीं नेक्स्ट अगर हम बात करें इंजन सिलेंडर की, तो इंजन सिलेंडर ये आप जो देख पा रहे हैं दिस इज द इंजन सिलेंडर,
ये हमारा यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये कम्बस्चन चेम्बर, टॉप पे ये कम्बस्चन चेम्बर है। तो यहाँ पे ये जो इंजन सिलेंडर है, इसी इंजन ब्लॉक में ये माउंट होता है। तो यहाँ पे सिलेंडर वही वो जगह होती है जहाँ पे पिस्टन जो है रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है, इस तरीके से। इसमें यहाँ अगर देखें तो ये इसमें रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है, इस तरीके से, राइट। वहीं नेक्स्ट अगर हम बात करें इंजन सिलेंडर के बाद, स्पार्क प्लग, ये पार्ट हमारा आता है स्पार्क प्लग। ये जो आप देख पा रहे हैं दैट इज ए स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग का क्या काम है कि ये जो है टू इग्नाइट द एयर फ्यूल मिक्सचर इनसाइड द कम्बस्चन चेम्बर बाई एन इलेक्ट्रिक स्पार्क विद द हेल्प ऑफ सुटेबल इग्निशन सिस्टम, राइट। ये हमारा स्पार्क प्लग है। एक हमारे पास स्पेयर में था, तो ये स्पार्क प्लग आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे, ये क्योंकि थ्रेडेड होता है, ये काफी टाइट फिट होता है यहाँ पे, राइट। इस तरीके से ये दिखता है, राइट, क्योंकि आप देख पा रहे हैं। वहीं चूंकि अगर हम इग्निशन सिस्टम की बात करें तो इग्निशन सिस्टम हमारा तीन टाइप का होता है, राइट। बैटरी इग्निशन सिस्टम, मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम एंड इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन सिस्टम। तो ये जो आप यहाँ देख पा रहे हैं इस इंजन में, ये हमारा जो है मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम है, राइट। ये बगल में इसके मैग्नेट लगे हुए हैं, राइट। तो ये इसका काम क्या है, दिस इज यूज टू जनरेट अ वेरी हाई वोल्टेज, राइट। तो चूंकि दो टाइप के इग्निशन सिस्टम हमारा यूज होता है, पहला स्पार्क इग्निशन सिस्टम है, कंप्रेशन इग्निशन सिस्टम, फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम इज यूज फॉर सीआई इंजन्स, राइट। तो वहीं नेक्स्ट बात करते हैं इग्निशन सिस्टम के बाद, दिस इज अ कार्बोरेटर। कार्बोरेटर का काम क्या होता है, ये एयर प्लस फ्यूल का जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है उसको कंबस्चन चेम्बर के अंदर ये भेजने का कार्य करता है, राइट। यहाँ पे ये कार्बोरेटर आप जो देख पा रहे हैं, ये यहाँ पे एयर इधर से जाती है और प्लस ये जो पाइप आप देख रहे हैं ये फ्यूल टैंक से जुड़ा होता है, इधर से फ्यूल आता है, इधर से एयर, और यहाँ पे इसका होमोजीनियस मिक्सचर ये इनलेट पोर्ट के थ्रू इस कम्बस्चन चेम्बर में आता है और बर्न होने के बाद ये आउटलेट पोर्ट है जिसके माध्यम से जो धुआं है या जो इसको आप कहें गैसेस हैं जो है वो बाहर निकल जाती है, राइट। तो इस तरीके से आज हमने आईसी इंजन के बारे में डिस्कस किया। थैंक यू।